हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। अभी तक आपने हिंदी के विषय में सिलेबस को समझा और पहला पाठ वर्णमाला को समझा था। आपने पिछले लेक्चर में वर्णमाला के भाग एक को पढ़ा। आज मैं वर्णमाला के भाग दो के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। मेरे MPGS और साथ ही साथ हिंदी दोनों की सीरीज चल रही है। यदि आपने अभी सीरीज को नहीं देखा तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के इन वीडियोस को जाके देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं वर्णमाला का भाग दो। आपने पिछले लेक्चर में वर्णमाला के भाग एक में समझा था वर्णमाला क्या होती है, वाक्य क्या होता है, भाषा क्या होती है, पदबंध क्या होता है, पद क्या होता है। साथ ही साथ आपने वर्णमाला में व्यंजन और स्वर दोनों का वर्गीकरण पढ़ा था। आज मैं थोड़ा सा डिटेल में स्वरों का वर्गीकरण पढ़ाने वाला हूँ। आपने जाना था पिछले लेक्चर में कि व्यंजन की संख्या कितनी होती है उच्चारण की दृष्टि से, लेखन की दृष्टि से, और साथ ही साथ स्वरों की संख्या क्या होती है लेखन की दृष्टि से और उच्चारण की दृष्टि से। आज मैं स्वरों का वर्गीकरण पढ़ाने से पहले आपको यह समझाऊंगा कि स्वर क्या होता है। स्वर का अर्थ है वे वर्ण जो बिना किसी के सहारे के बोले जाते हैं, अर्थात वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप में मौजूद होते हैं, बोले व लिखे जाते हैं, उसे हम स्वर कहते हैं। यहां पे आप डेफिनेशन को देख सकते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण कहलाते हैं स्वर। ये दो प्रकार के होते हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर में बताया गया था, उच्चारण की दृष्टि से और लेखन की दृष्टि से। अगर हम उच्चारित करेंगे तो इनकी संख्या 10 है और हम इन्हें लिखेंगे तो इनकी संख्या 13 है। आइए मेरे साथ बोलते हैं हम, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ आओ अन आह। इसकी कुल संख्या 13 है जब हम इसे लिखते हैं, औच्चारण की दृष्टि से 10 है। तीन ऐसे वर्ण हैं री से ऋषि, अन और आह, जब हम इसे उच्चारित करते हैं तब हम इसे शामिल नहीं करते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं उच्चारण की दृष्टि से 10 है और लेखन की दृष्टि से 13 है। अभी तक आपने समझ लिया होगा कि स्वर क्या होता है। वे वर्ण जो बिना किसी के सहारे के बोले जाते हैं, जो स्वतंत्र और मौलिक होते हैं, उसे हम स्वर कहते हैं। आइए समझते हैं स्वरों का वर्गीकरण। अगर मैं स्वरों को वर्गीकृत करूं तो ये काफी लंबी लिस्ट है, लेकिन मुख्यतः मैं इसे 4 में विभाजित करता हूं। एक उत्पत्ति के आधार पर, एक मात्रा व उच्चारण के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, और चौथा जीवा के प्रयोग पर। जब मैं बात करता हूं उत्पत्ति के आधार पर, इसका अर्थ है कि इसका उत्पत्ति कैसे हुआ। वैसे ये दो प्रकार के होते हैं, एक मूल स्वर कहलाता है और एक संधि स्वर कहलाता है। जब उत्पत्ति के आधार पर मैं बात करूं तो यहां पे मैंने वर्गीकृत किया है इसको दो भागों में, एक मूल स्वर और एक संधि स्वर। आइए समझते हैं कि मूल स्वर क्या कहलाते हैं। मूल स्वर वह स्वर कहलाते हैं जिनकी उत्पत्ति किसी अन्य स्वरों की सहायता से नहीं होती है, यानी किसी अन्य स्वरों की मदद के बिना ये स्वतंत्र रूप से मौजूद होते हैं। अब इनकी संख्या 4 है, आप बोल के देख सकते हैं, अ ई उ ऋ से ऋषि। आप इसमें देख सकते हैं ये अपने आप में भी स्वतंत्र है, अ ई उ ऋ से ऋषि। अब अगला है संधि स्वर। ये वे स्वर है जिनकी उत्पत्ति अन्य स्वरों से मिला करके हुई है। जब मैं मूल स्वर की बात कर रहा था तो आपने देखा था कि अ केवल अ बोला गया, अ बोला गया, इसके साथ और भी स्वर नहीं आया। लेकिन मैं जब बड़ा आ बोलता हूं तो बड़ा आ आ और आ से मिलके बना है। तो आप ये भी कह सकते हैं मूल स्वरों को मिलाने से संधि स्वर बनता है। तो यहां पे मैंने संधि स्वर को दो भागों में विभाजित किया है,
एक दीर्घ स्वर है और एक संयुक्त स्वर है। दीर्घ स्वर क्या कहलाता है, आइए समझते हैं। आपने अभी तक जान लिया संधि स्वर वह स्वर होते हैं जो स्वरों को मिला करके बनाए जाते हैं, संधि नाम से ही पता चलता है। और संधि स्वर को हमने दो भागों में बांटा है, एक दीर्घ स्वर है और एक संयुक्त स्वर है। तो दीर्घ स्वर वह है जो समान मूल स्वरों से मिलकर बने। समान का अर्थ है आपने अ और आ मिलाया, ये दोनों समान है। अ अ आ बड़ा आ बना, ई ई बड़ी ई, ऊ ऊ बड़ा ऊ। तो जब आप समान स्वरों को मिलाते हैं तब आपका दीर्घ स्वर बनता है। आइए समझते संयुक्त स्वर क्या कहलाता है। संयुक्त स्वर वह स्वर होते हैं जो असमान स्वरों से मिलकर बनते हैं। असमान स्वर क्या, आ और ई। देखिए आ भी मूल स्वर है और ई भी मूल स्वर है, तो दोनों को मिलाया आ और ई क्या बन गया, ए। एक विभिन्न स्वर हमें मिला, आ और ए ए, आ और ऊ ओ। तो संयुक्त स्वर वह स्वर है जो दो असमान मूल स्वरों को मिलाकर के बनते हैं। तो हमने समझा उत्पत्ति के आधार पर दो स्वर हैं, एक मूल स्वर और एक संधि स्वर। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि स्वरों के वर्गीकरण को हमने चार भागों में बांटा, अभी तक आपने केवल एक उसका वर्गीकरण पढ़ लिया है। अब आइए समझते हैं दूसरा वर्गीकरण। दूसरा वर्गीकरण है मात्रा व उच्चारण के आधार पर। मात्रा उच्चारण के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर और एक प्लूट स्वर। समझते हैं कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूट स्वर क्या कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर वे स्वर कहलाते हैं जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जब मैं दीर्घ की बात कर रहा हूं, नाम से ही स्पष्ट है कि इसके बोलने में हमें ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगेगा। अप्लूत स्वर वह स्वर है जिनके उच्चारण में हमें दीर्घ से भी ज्यादा समय लगे, हम उसे प्लूत स्वर कहते हैं। तो यहां पे परिभाषा आपके समक्ष लिखी हुई है, इसको समझते हैं। उच्चारण में कम से कम समय लगने वाले स्वर को ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसमें एक बात और गौर करने वाली बात है कि आप इसको कैसे पहचानेंगे। इसकी पहचान करने की आप देख सकते हैं, यहां पे एक मात्रा का प्रयोग हुआ है, अ ई ऊ री से री से। यहां पे सभी जगह एक एक मात्रा का इस्तेमाल हुआ है। तो वे स्वर जिसमें केवल एक एक मात्रा का इस्तेमाल किया जाए वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। आइए समझते हैं दीर्घ स्वर क्या कहलाता है। उच्चारण में ये ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लेते हैं। आप ये कह सकते हैं कि ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लेते हैं, इसकी अपेक्षा दुगुना समय लेते हैं। तो वे स्वर जो ह्रस्व से दुगुना समय ले उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। और एक और बात गौर करने की होगी, ऐसे स्वरों की मात्रा दो होगी। आपने अभी देखा था एक मात्रा वाले ह्रस्व कहलाते हैं और दो मात्रा वाले दीर्घ कहलाते हैं। पहचान, बड़ा बड़ी बड़ाऊ और ऐसे एड़ी। तो आप यहां सब जगह देखते हैं तो यहां पे दो दो मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। अब आइए समझते प्लूट स्वर क्या कहलाता है। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण समय दीर्घ से भी अधिक होता है उसे हम प्लूट स्वर कहते हैं। तो आइए देखते हैं। अब वैसे अगर एक बात आपको गौर करनी होगी, ये संस्कृत साहित्य में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। आपने देखा होगा, काफी बार आपने देखा होगा जो हमारे बड़े बड़े ग्रंथ है ऋग्वैदिक काल के, या बहुत सारे जो हमने देखा है हमारे पुराने साहित्य हैं, उसमें आप इन सभी मात्राओं को देखा होगा। अब हम जब मैं राम बोलूंगा तो ऐसा बोलेंगे, राम हे राम ए लड़के। तो आप देख रहे हैं कि मैं यहां पे स्वरों को खींच रहा हूं। तो जो स्वर दीर्घ से भी अधिक समय ले वह प्लूट स्वर कहलाता है।
तो अभी तक स्वरों के वर्गीकरण में हमने दो प्रकार के स्वर पढ़ लिए हैं, एक उत्पत्ति के आधार पर, एक मात्रा उच्चारण के आधार पर। आइए समझते हैं ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों को कैसे वर्गीकृत किया गया है। ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति का अर्थ है ओठ का इस्तेमाल, यानी कि जब हमारा ओठ बोलने पर मुड़ जाए तो उसे ओष्ठाकृति कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है वृत्तमुखी और एक होता है आवृतमुखी। ऐसे स्वर आवृतमुखी कहलाते हैं जिनके उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी नहीं होता। वृत्तमुखी मतलब होता है वृत्तमुखी वक्राकार, ये घुमाव नहीं होता, मोड़ नहीं होता, ऐसे को हम कहते हैं वो आवृतमुखी। उदाहरण है, आप बोलिए मेरे साथ आ ई। देखिए ओठ हमारा नहीं हुआ, ये गोलाकार में नहीं हुआ। जब हमारा गोलाकार हो जाएगा तो उससे हम वृत्तमुखी कहते हैं, और अगर गोलाकार में नहीं होता तो उससे हम आवृतमुखी कहते हैं। अब उच्चारण करते हैं ऊ, देखिए बोलने पर ही गोलाकार हुआ, ऊ फिर से हुआ, ओ गोलाकार रूप लिया। अगर गोलाकार रूप लेता है तो इसे हम वृत्तमुखी कहते हैं, और अगर गोलाकार नहीं लेता तो इसे हम आवृतमुखी कहते हैं। तो अभी तक आपने तीन प्रकार का स्वरों का वर्गीकरण पढ़ लिया। अब हम आखिरी वर्गीकरण पढ़ रहे हैं जीवा का प्रयोग करने पर। देखिए जीव का हम इस्तेमाल करते हैं, जीवा का हम इस्तेमाल करते हैं तो तीन जगहों से हमें स्वर की ध्वनि मिलेगी, स्वर उच्चरित होंगे। एक अग्र भाग, आप जीवा का अग्र भाग मतलब आगे का, मध्य भाग बीच का, और पार्श्व भाग सबसे पीछे का। अग्र, मध्य और पास्ट। अग्र का अर्थ है सबसे आगे का भाग। जब हम स्वरों का उच्चारण जीवा की मदद से आगे, जीवा की मदद से आगे वाले भाग की मदद से करते हैं, तब हम उस स्वर को अग्र, जीवा के प्रयोग वाले स्वर कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मेरे साथ बोलिएगा ई, देखिए हम बोल रहे हैं ई ई ए ए। आप जब भी ऐसा उच्चारण करते हैं तो आप देखेंगे कि जीवा का आगे के भाग का इस्तेमाल हुआ है। तो जब जीवा के आगे वाले भाग का इस्तेमाल हो, उस स्वर को, उस उच्चरित स्वर को हम कहते हैं अग्र स्वर। जब स्वर का उच्चारण मध्य जीवा से हो, उसे हम कहते हैं मध्य उच्चरित स्वर। आप बोलिएगा आ, तो जब आप बोले थे तो आपका बीच जीवा का इस्तेमाल हुआ। अरे आखिरी प्रकार का स्वर है, वो है पार्श्व। तो पार्श्व यानी सबसे पीछे का भाग। जब हम स्वरों का उच्चारण करें और सबसे जीवा का आखिरी भाग का इस्तेमाल हो, सबसे पीछे भाग का इस्तेमाल हो, उसको हम कहते हैं पार्श्व। तो सबसे पीछे इस्तेमाल करने का उच्चारण करते हैं आ ऊ। देखिए सबसे पीछे जीवा का इस्तेमाल किया गया, ओ आओ। तो ये हमने जाना स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों को वर्गीकरण हमने अभी तक पढ़ा। मैं अगले लेक्चर में व्यंजन का वर्गीकरण लेकर के आने वाला हूं। आपको ये वीडियो कैसा लगा स्वर के वर्गीकरण का, मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा आप जाके देख सकते हैं। काफी प्रयास किया जा रहा है कि आपके एमपीएसआई, व्यापम, भारत के कोई भी हिंदी का एग्जाम हो जिसमें एमपी हिंदी का सिलेबस कवर अप हो रहा है, मेरा प्रयास यही होगा कि मैं आपको अच्छी भूमिका से, अच्छे महत्वपूर्ण तथ्य से आपको हिंदी से अग्रसर ले चलूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।